ॐ नमः शिवाय। 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 సన్నిధి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు షోలాపూర్లోని శ్రీ సిద్ధరామేశ్వర దేవాలయంలో ఉన్నాం. అయితే ఈ సిద్ధరామేశ్వర దేవాలయాన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, ఇక్కడ శివయోగి శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క జీవ సమాధి. ఆయననే శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామిని కొలిచి ఆయన్ను సాక్షాత్కరించుకొని ఇక్కడ ఆయనతో పాటు ఆయన శివలింగం, ఎందుకంటే ఒకటి శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామిది, రెండు సిద్ధయోగి శివయోగి సిద్ధేశ్వర స్వామి గారిది. ఏమంటారంటే, ఇక్కడ మనందరూ కూడా శ్రీ శివయోగి సిద్ధేశ్వర్ మహారాజ్ సమాధి, జీవ సమాధి. మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈ జీవ సమాధిని చూస్తున్నాము. ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడూ కూడా రావడం, ఇక్కడ చాలామంది షోలాపూర్ అంటే వస్తారు, ఏదో వెళ్తారు, కానీ ఇక్కడ సిద్ధరామేశ్వర దేవాలయం ఉన్నది. సిద్ధరామేశ్వర దేవాలయంలో శ్రీ శివయోగి
సిద్ధేశ్వర్ మహారాజ్ సమాధి జీవ సమాధి ఉన్నది. ఆయన ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించినటువంటి మల్లికార్జున స్వామికి ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే అభిషేకాలు అన్నీ కూడా జరుగుతుంది. అలాగే సిద్ధ రామేశ్వర స్వామి యొక్క ఆలయాన్ని కూడా మనం దర్శించుకుందాము. నమస్కారం స్వామీజీ. ఏ శివయోగి సిద్ధేశ్వర్ మహారాజీకి బారేమే తోడా మరా ఛానల్కి బారేమే తోడా బతా సక్తే ఆప్. శివయోగి సిద్ధ రామేశ్వర్ ఇన్ ఏ మహాదేవ్ కే శ్రీశైల మల్లికార్జున్ జో ఆంధ్రమే శ్రీశైలం పర్వత్ పే శ్రీశైలం మల్లికార్జున్ కా మందిర్ హై. శ్రీశైలం మల్లికార్జున్ నే ఇన్కో ఆశీర్వాద్ దేకే ఇన్కో దీక్షా దియా హై. శ్రీశైలం మల్లికార్జున్ కే ఏ మహాదేవ్ కే అవతార్ హై. ఏక్ గంధర్వ పతి పత్నికో మనుష్య రూప్ మే గంధర్వ లోక్ ఛోడ్కే స్వర్గ లోక్ ఛోడ్కే మనుష్య లోక్ మే జన్మ లేనే కా శ్రాప్ మిలా థా. उस श्राप में से मुक्ति मिलने के लिए वे महादेव के पास गए. महादेव ने उन्हें एक वरदान दिया कि उनका मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जन्म होगा. फिर उनके घर में उनके विवाह के पश्चात उनके घर में मैं अवतार लूँगा, यानी कि महादेव अवतार लेंगे. उसके पश्चात उन्हें फिर से श्राप से मुक्ति मिल के गंधर्व लोक में फिर से स्थान मिलेगा, ऐसा वरदान देते हैं. फिर उस गंधर्व पति पत्नी का यहाँ पृथ्वी पे मनुष्य रूप में जन्म होता है और उनके ही घर में श्रीशैल मल्लिकार्जुन महादेव सिद्ध रामेश्वर के रूप में यहाँ अवतार लेते हैं. यहाँ जन्म से इस सिद्ध रामेश्वर में कोई भी मनुष्य वाला गुण नहीं रहता है. सिद्ध रामेश्वर कभी उन्होंने कभी सांस नहीं श्वासोच्छ्वास नहीं लेते थे. वो कभी अपनी आँखों के पलके नहीं झपकाते थे या कभी खाना नहीं खाया, कभी पानी नहीं पिया. हमेशा वे महादेव के श्रीशैल मल्लिकार्जुन के ध्यान में समाधि में रहते थे. एक दिन श्रीशैल मल्लिकार्जुन ने उन्हें एक ऋषि के रूप में दर्शन दिया और फिर उनसे खाने के लिए दही और चावल मांगा. सो सिद्ध रामेश्वर जब तक जाके दही चावल लाते थे तब तक श्रीशैल मल्लिकार्जुन वहाँ से जा चुके थे. फिर सिद्ध रामेश्वर उन्हें ढूंढते हुए श्रीशैल मल्लिकार्जुन को ढूंढते हुए श्रीशैल तक चलते गए. तब वो 8 साल के थे सिद्ध रामेश्वर. और फिर वहाँ पे श्रीशैल मल्लिकार्जुन एक पर्वत पे खड़े रह के उन्होंने श्रीशैल मल्लिकार्जुन को 3 बार पुकारा. तीनों बार पे श्रीशैल मल्लिकार्जुन ने उन्हें दर्शन नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उस पर्वत से कूद गए. कूदते ही श्रीशैल मल्लिकार्जुन ने उन्हें आके पकड़ लिया और उन्हें दीक्षा दिया. श्रीशैल मल्लिकार्जुन ने सिद्ध रामेश्वर को 8 साल के एज में दीक्षा दे के फिर से सिद्ध सोलापुर भेजा. सोलापुर आने के बाद यहाँ पे एक भूमि में से एक मंदार वृक्ष के नीचे से भूमि में से मैं प्रकट होऊंगा, ऐसा वरदान देके श्रीशैल मल्लिकार्जुन ने सिद्ध रामेश्वर को सोलापुर भेजने के बाद जब सिद्ध रामेश्वर सोलापुर आए तो एक दिन ऐसे एक मंदार वृक्ष के नीचे से भूमि में से श्रीशैल मल्लिकार्जुन बाहर आए लिंग स्वरूप में. फिर उन्होंने सिद्ध रामेश्वर ने वहीं पर उनका एक मंदिर बना के श्रीशैल मल्लिकार्जुन की पूजा की. उसके बाद श्री सिद्ध रामेश्वर ने सोलापुर में अलग अलग जगह पे 68 लिंगों की 8 दिशा में 8 काल भैरव मंदिर और 8 दिशा में 8 गणेश मंदिर इन सभी की स्थापना की है. और सिद्ध रामेश्वर ने अपने कार्यमान में 2 बार समाधि लिया है. एक समाधि 25 साल के लिए लिया था. 25 साल बाद समाधि में से बाहर आके फिर से उनके उम्र के 101वें वर्ष पे दूसरी बार उन्होंने संजीवन समाधि ली है. संजीवन समाधि मतलब उसमें जो समाधि लेते हैं जो उनका सिर्फ वहाँ पे उनकी चेतना उनका जो शक्ति स्वरूप रहता है वो उसी जगह रह जाता है और शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ रहता है वो उसमें से हर एक तत्व शरीर का उस तत्व को दे के फिर से जब भी उनको प्रकट होना रहता है हर एक पंच महाभूत के तत्व से प्रत्येक तत्व लेके उसमें वही चेतना डाल के फिर से अवतार लिया जा सकता है. संजीवन समाधि में मृत्यु नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे संजीवन यानी कि जीवन समाधि लिया है 101 साल पे. यहाँ जो अभिषेक हो रहे हैं ना अभिषेक हो रहे हैं ये कुछ का रिवाज उन्होंने बताया शिवयोगी ने अब ऐसा करना बोल के. जो यहाँ त्रिकाल पूजा होता है सिद्ध रामेश्वर भी दिन में 3 बार कैलाश पर्वत जाके महादेव की त्रिकाल पूजा करते थे. रुद्राभिषेक योग मज्जनाभिषेक करते थे, इसलिए यहाँ भी उसी तरह से 3 बार सिद्ध रामेश्वर मंदिर में पूजा होती है. एक सुबह में होती है 8:30 से 10 बजे तक, एक दोपहर में होती है 3 से 4 बजे तक, फिर से रात को 9:30 से 10 बजे तक रात में एक बार पूजा होती है.
ये त्रिकाल पूजा जो सिद्धरामेश्वर मल्लिकार्जुन की किया करते थे, वही त्रिकाल पूजा यहाँ पे आज भी उनकी और मल्लिकार्जुन की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? प्रभुलिंग मल्लिकार्जुन हब्बू। अब इधर हम 1959 साल से इधर ही हम हैं। पुराना इधर 9.5 साल से इधर पूजा करते हैं हम। हमारे सब भाई लोग रहते हैं, सबके साथ हमारा पूजा रह सकता है। अभी आपने को देखा? चूगी को अभी हम देखा नहीं है। फोटो देखा? फोटो देखा है हम। मुझे 150 रील फोटो नहीं देखा। ऐसा चमत्कार हुआ किसी को भी? बहुत जन को चमत्कार हो गया, बहुत जन को ये हो गया, सब जन को पर्सनली हो गया, प्रसन्न हो गया। जो आता वो मंदिर को नेमी उसको यहाँ मंदिर से आए से भगवान को दर्शन करे से चैन नहीं पड़ता मंदिर का, इसीलिए सब गांव को गए तो वो दर्शन नहीं होता उनका। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दिया और लोगों को भी पता चला कि शोलापुर में शोलापुर लो सिद्धरामेश्वर मंदिर लो शिवयोगी सिद्धेश्वर ये समाधि ఉన్నది। ఇది ఒకసారి కాదు ఆయన రెండు సార్లు ఇక్కడ సమాధి పొందడం జరిగింది అని మనకు తెలియజేశారు। ఇక్కడికి రండి అందరూ కూడా, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉన్నది। మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకొని ఆ శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామిని మీరు ధ్యానిస్తూ ఈ శివశివి సమక్షంలో జరిగితే మన ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ నెరవేరడమే కాకుండా మనకి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి సద్గతులు, పూర్వీకులకు ఎంతో ఉన్నతమైన సద్గతులు ప్రాప్తించిన వాళ్ళం అవుతాము, అలాగే మనకి ఎంతో ఈ యొక్క ఆత్మశక్తి పెరుగుతుందని మనం తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది। అప్కానా ఓంకార్ శివనామ। 25 సాల్ సే ఇదర్ హూ। हमारे पिताजी वगैरह सब यही से 9.5 साल से हम सेवा करते हैं रामेश्वर का। इसका मूल मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय बोलते हैं हम सब, जब शिवाय नमः वगैरह से सब मिलते हैं ना तब बोलते हैं। आपका ध्यान कर रहे हैं? करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना सब। सुबह पूजा वगैरह होते तब ध्यान वगैरह करते रहते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस हुआ शिव योगी आपके पास आया कुछ बोल रहे ऐसा? बहुत बार होता है, सबको हुआ है, हमारे को भी हुआ है, एक दो तीन बार हुआ है, ध्यान में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको अभिषेक करते देखा, बहुत भक्ति श्रद्धा से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव समाधि में ऐसा ही रहना, क्योंकि हम बहुत जीव समाधि को देखा, वो जीव समाधि हो गया ऐसा ही छोड़ दिया, मगर इधर जो हो रहे हैं भगवान की जो कृपा है भगवान के शिवयोगी के पास, वो इधर देख रहे हैं, सब लोगों को देख रहे हैं। और भगवान को जैसे पूजा करते हैं ऐसे गुरु को भी पूजा करना है, ऐसा आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए तो सब लोग इधर आना पड़ता है, क्योंकि इधर इसी जो कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं वो 950 साल 950 ईयर्स हुआ और लाखों साल ऐसा ही होता। इधर इकड़को वच्चिना चूसिना प्रति ఒక్కరి కూడా ఆ శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి ఆశీస్సులతో పాటు శ్రీ శివయోగి సిద్ధేశ్వర యోగి యొక్క ఆశీర్వాదాలు కూడా మీ అందరికీ ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇప్పుడు మనం సిద్ధరామేశ్వర మందిరాన్ని దర్శించుకుందాం రండి।
सिद्धरामेश्वर की वो जो आलय है और इसका बारे में थोड़ा बताइए आप। ये सिद्धरामेश्वर सोलापुर का ये मंदिर है, ये ग्राम यहाँ का ग्राम दैवत है, सिद्धेश्वर मंदिर ग्राम दैवत, और ये सिद्धेश्वर महाराज जी का ग्राम दैवत है। ये ईस्वी सन 1200 में यहाँ पे ये कामकाज चालू था, सिद्धेश्वर महाराज जी ने ही स्वतः किया, और यहाँ पे सोलापुर में कोई विघ्न नहीं आना करके 68 लिंग का यहाँ पे स्थापना किया है। 68 लिंग बोले तो ये 8 लिंग का एक गणेश मूर्ति का स्थापना किया है, और इसका जो सालगिरह का ये उत्सव रहता है वो 14 जनवरी को चलता है, एक विवाह सोलह यहाँ पे संपन्न 14 जनवरी को होता है, और ये विवाह सोलह में मानकारी करके हिरी अब्बू राजा हसी साहब इनका है, और ये मंदिर का पुजारी हब्बू है। मंदिर का पुजारी हब्बू जो है वो विवाह सोलह में मेन कर्तृत्व और एक पारंपरिक रीति से विवाह सोलह संपन्न करते हैं। नंदेश्वर निकिता हब्बू। हाँ, सिद्धेश्वर मंदिर ये 9.5 वर्ष के पहले से ही है। हम सिद्धेश्वर मंदिर के मानकरी है। सिद्धेश्वर मंदिर के त्रिकाल पूजा होती है, सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे होती है, और शाम को 9 बजे फिर होती है। महापूजा, पान पूजा, अभिषेक होती है। श्रावण में बहुत सारे, एक महीना पूर्ण पूजा होती है। वो साक्षात महादेव का अवतार ही है सिद्धरामेश्वर।